अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा डो, पिज़्ज़ा चिकन बनाने के लिए। तो उससे पहले हमें पिज़्ज़ा डो तैयार करनी होगी। यहाँ में हमने ली है ईस्ट ड्राई 1/2 चम्मच, आधा चम्मच हमने साल्ट लिया है यहाँ, और 2 चम्मच हमने ऑयल लिए, 1 चम्मच हमने शुगर लिए, ये 3 कप मैदा है हमारे पास। कप मैंने ये वाला यूज़ किया है। सबसे पहले हम बर्तन लेंगे, इसमें हमने गर्म पानी ऐड करना है, नीम गर्म पानी हो। शुगर डालेंगे, चम्मच से मिक्स करेंगे, साल्ट भी डालेंगे इसमें और ईस्ट भी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद मैदा लेंगे, इसमें ये डाल देंगे, चम्मच से मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसे हाथ की मदद से गूंद लेंगे। पानी जो है इसमें नीम गर्म ही हमने लेना है, पानी कम लगे तो आप और भी ऐड कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नरम हाथों से इसे गूंदें। ये इसी तरह हाथों से चिपकेगा और ढो हमारी बिल्कुल रेडी है। इसी तरह अब हम एक बाउल लेंगे, उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। ये हमने बाउल लिए, जो हमने ऑयल लिया था उसको ग्रीस कर देंगे। ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया इसको। ये जो हमारी डो है इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे। कवर करेंगे, 1 घंटे के लिए हम इसे यूं ही छोड़ देंगे। ये हमारे पास चिकन है जो हमने पिज़्ज़े के ऊपर लगाना है, उसको रेडी कैसे करना है। ये चिकन हमने लिया 1 प्याली और ये बॉईल किया हुआ है, रेशन हुआ है, बोनलेस है हमारे पास। ये 1 चम्मच सिरका है और 2 चम्मच ऑयल के हैं, ये चिली सॉस है और ये हमारे पास मसाला जात है जो इस। आधा चम्मच हमारे पास नमक है, आधा चम्मच हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और 2 चुटकी हमारे पास सुरख मिर्च है। अदरक लहसुन का ये पाउडर मैंने लिया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और आधी चम्मच से थोड़ी सी कम, थोड़ी सी यानी कि 2 चुटकी बराबर हमने काली मिर्च ली है, खुश्क धनिया पाउडर ये भी 2 चुटकी लिया है, और ये हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा मोटा मोटा है, ये भी हमने 2 चुटकी लिया है। अब हमने इसमें सिरका डाल देना है और ये सारी मसाला जात, चिली सॉस डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच, ऑयल भी ऐड कर देंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे। सॉस पैन हमने रख लिया है चूल्हे पे और फ्लेम हमने ऑन कर लिया, फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी है। अब जो हमने बैटर तैयार किया है चिकन का, वो इसमें डाल देंगे।
हल्के आंच पर हमें इसको कुक करना है, क्योंकि चिकन हमारा जो है वो बॉयल शुदा है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पर आपको अगर नमक मिर्च कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, मिक्स कर लेंगे। इनके 3 मिनट हो गए। अब हम यहाँ पे इसमें लेमन रस ऐड करेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। देखें डो हमारी बिल्कुल रेडी होगी। आपको पता है पिज्ज़े की जो साइड्स होती हैं वो थोड़ी मोटी मोटी होती हैं। मैं एक बड़ा पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो अगर आपने छोटे बनाने हो तो इसी डो में से 2 आसानी से छोटे बन जाएंगे। बस हाथ की मदद से आपने इसको फैला लेना है, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ नहीं रखना है। आप इसे पतीले में, सॉस पैन में, जैसे मर्जी आप इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने एक ही बनाया है, तो मैं पतीले के साइज़ का मैंने इसको बेल लिया है हाथ से। अब इसमें हम कांटे की मदद से निशान डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम आग लगा लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको पतीले में रखेंगे। ये देखिए मैंने ये पतीला लिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, मीडियम साइज़ पे मेरा फ्लेम है। तो मैं इस पतीले को पहले थोड़ा सा गर्म करूँगी। जी पतीला हमारा अंदर से गर्म हो गया है। अब इसमें हम पिज़्ज़े की जो रोटी हमने बेली है वो इसमें रखेंगे। ये देखिए हमने पिज़्ज़ा रोटी जो है वो डाल दी है। थोड़ा सा सेकने के बाद हम इसके साइड चेंज करेंगे। साइड हमने कब चेंज करनी है उसके मैं आपको बता दूं कि बबल्स बन जाएंगे इसके ऊपर। देखिए बबल्स इस पर बन गए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 3 मिनट हमने इसको पकाने के बाद, यानी कि हमें 3 मिनट लगे हैं इसको, ये साइड देखें आप हमारी जो है ये रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकानी क्योंकि हमने यही साइड इसकी दोबारा से रखनी है और उसके ऊपर हमने चीज़ें ऐड करनी है इसकी सीधी साइड पे। 2 मिनट हो गए, अब हम इसके भी साइड चेंज कर लेंगे। देखिए पिज़्ज़े की हमारी जो ये साइड भी सिक चुकी है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस है, इसके ऊपर अच्छे से हम लगा लेंगे। ये हमने घर में ही रेडी की हुई है पिज़्ज़ा सॉस, ये पिछली वीडियो में हमने ये अप्लाई कर लिया पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसके ऊपर ये जो हमारे चिकन तैयार किया है ये डालेंगे। ये हमने सारा चिकन अप्लाई कर लिया। ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, ये येलो शिमला मिर्च, ये हमारे पास चीज़ है। थोड़ी सी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। चीज़ हमने अप्लाई कर ली है। शिमला मिर्च हम इस पर डाल देंगे। ये हमने रेड शिमला मिर्च भी लगा दिया, अब हम ग्रीन लगा देंगे। ग्रीन शिमला मिर्च भी हमने लगा ली है। अब थोड़ी सी हम इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। चीज़ हमने अप्लाई कर लिया, इसको अब हम पतीले में रखेंगे। 10 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे कवर करके। आँच इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आँच नहीं करनी। दूसरी साइड पे हमारा जो पिज़्ज़ा है उसको 5 मिनट हो गए, जो चीज़ हमारी वो मेल्ट हो रही है। फिर से कवर कर देंगे इसे। क्या हम चिकन पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको बाहर निकालते हैं, डिश आउट करते हैं इसे। पिज़्ज़ा हमने बाहर निकाल लिया, अब इसकी हम कटिंग करेंगे पिज़्ज़ा कटर से। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा, बिग पिज़्ज़ा इसको बोलेंगे, ये बिग पिज़्ज़ा है। और क्योंकि हमने इसको पतीले में रेडी किया है, पतीले में रेडी करना थोड़ा मुश्किल है उसकी साइड वगैरह चेंज करने के लिए, लिहाजा आप तवे पे ही बनाएं इसे। ये देखिए
मैंने चीज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं की क्योंकि मेरी फैमिली को चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने हसब ज़रूरत अप्लाई की है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बना है, देखें इसकी लेयर पिज्जे की, साइड से भी हम देख लेते हैं। अब इस पर कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा चिकन पिज़्ज़ा था जो हमने रेडी किया है। मैंने जो ढोर तैयार की है उसमें छोटे छोटे दो पिज़्ज़े आपके इजीली बन सकते हैं तवे के ऊपर। तवे में भी बना सकते हैं, पतीले में तो मैंने बनाया ही है, सॉस पैन भी इसको रेडी कर सकते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।